अंदर जाहिर होने दो परमेश्वर के आत्मा को। वो सही स्थितियों को चाहता है। आमीन। एक बात याद रखो, जब हम उसके पास आते हैं स्थितियां विपरीत होती हैं, माहौल विपरीत होते हैं, कुछ भी आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं होता है, पर हमें उसको अपने जीवन में जगह देना पड़ेगा कि नहीं। यीशु ने कहा राई का दाना जब आया धरती पर बो दिया गया वो तुरंत फलवंत नहीं हुआ, वो तुरंत उस पर पक्षियों ने बसेरा नहीं किया, पर वचन में लिखा है राई का दाना बो दिया गया जमीन के अंदर, अंकुर निकला। उस परिस्थिति को आपने कहां रखा? अंकुर निकला, पौधा बना और फिर पेड़ बना और फिर फलवंत हुआ। इन आत्मिक परिस्थितियों को आप कैसे संभाले? कैसे वो पेड़ अंकुर निकला, कैसे वो पेड़ पौधा बना, कैसे वो पेड़ पेड़ बन गया, मतलब वो अंकुर, वो जो राई का दाना था पेड़ कैसे बन गया? वो बोया गया राई के दाने के समान। पहले तो अंकुर ही निकला होगा, फिर पौधा बना होगा और फिर पेड़ बना, हा या ना? इन परिस्थितियों में वो राई का दाना अपनी आत्मिक स्थिति के अनुसार अपनी आत्मिक लेवल को बना के रखा, बिगड़ने नहीं दिया। आंधिया चली आपको बीमार करने के लिए, आंधिया चली आपके पति को छूने के लिए, आंधिया चली आपके पत्नी को छूने के लिए, आंधिया चली आपके बच्चों को बिगाड़ने के लिए, आंधिया चली आपके व्यवसाय को नष्ट करने के लिए, पर आप आत्मिक स्थिति को बरकरार रखा। आप अपनी आत्मिक स्थिति को खोने नहीं दिया, खोने नहीं दिया। बोलो खोने नहीं दिया। लिखो यूहन्ना 6:12, देखते हैं। खोने नहीं देगा, नोट करिए इसे आप। यूहन्ना 6:12 देखिए वहां पर क्या लिखा गया है, हम इस पद को पढ़ेंगे। जब वो खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। देखिए ध्यान से समझना, परमेश्वर का अनुग्रह कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। लिखा है जब वो खाकर तृप्त हो गए, तो जानते हैं तृप्त होने के बाद कुछ भी अच्छी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। तृप्त होने के बाद हर अच्छी चीजें बेकार लगने लगती हैं, है ना? ये मनुष्य का स्वभाव है। अगर मनुष्य जब तक भूखा है उसे बेकार चीजें अच्छी लगेंगी, जब वो तृप्त हो जाएगा उसका पेट भर जाएगा तब अच्छी चीजें भी उसे अच्छी नहीं लगेंगी, और कहेगा ठीक है इसको एक बगल करो। पर देखो यहां पर आत्मिक दशा में समझने का अभ्यास करें। जब वे खाकर तृप्त हो गए, वे 5,000 थे, वे 7,000 थे, 5 रोटी थी 7 रोटी थी। जब खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, यीशु नहीं चाहता कि कुछ फेंका जाए, यीशु नहीं चाहता कि कोई बर्बाद हो। वो कह रहा है वचन में लिखा है, लिखा है जब वह खाकर तृप्त हो गए, तो प्रभु को पता है कि मनुष्य जब तृप्त हो जाता है तो वो अच्छी चीजों को भी अच्छी नहीं समझता, सुंदर चीजों को भी वो सुंदर नहीं समझता। लिखा है यहां पर चेलों से कहा बचे हुए टुकड़े बटोर लो, कुछ फेंका ना जाए। यह एक आत्मिक दशा में समझो कि प्रभु क्या चाहते हैं। जो रोटी से टुकड़ा अलग हुआ है प्रभु नहीं चाहता वो टुकड़ा फेंका जाए। रोटी एक ही है, उसका नाम यीशु मसीह है, वो पिता है। जो अलग हो गए हैं तृप्त अवस्थाओं में, दुनिया ने उसे अलग कर दिया, हम कहेंगे कि जब पेट भर गया, पेट को ध्यान दे दिया, तो हर उन चीजों को जो अब उसके सामने आ रही है उस पर कोई मतलब ही नहीं है। पर परमेश्वर आत्मिक दशा में आपको समझाना चाहता है। उसने कहा कोई टुकड़ा फेंका ना जाए, उसे बटोर लो, उसे बटोर लो। आत्मिक भाषा में
ये खराब ना हो, ये बर्बाद ना हो। प्रभु को ऑर्डर है हर वो चीजें जो मुझसे अलग हो गई हैं उसे अब बटोर लो यीशु मसीह के नाम से, वो बर्बाद ना होने पाए। हालेलुया। आज वही चीजें प्रभु आपको देना चाहता है मेरे प्रियो। खो गए थे आप कहीं यहां कहीं वहां, कहीं उस दशा में कहीं उस दशा में कहीं उस दशा में, कहीं किस परिस्थिति में कहीं किस परिस्थिति में, पर प्रभु आया और वो कहता है इन टुकड़ों को बटोर लो। ये टुकड़े मूल से हैं, ये टुकड़े पिता की रोटी से जुड़े हुए हैं, ये टुकड़े रोटी से जुड़े हुए हैं। रोटी में अलग करोगे तो क्या बन जाएगा? टुकड़ा ही तो बनेगा ना। रोटी को जब तोड़ेंगे तो वो टुकड़ा कहा जाएगा। और प्रभु क्या कह रहा है, टुकड़े को फिर से रोटी बना दो, उसे फिर से उसे महिमामय देह में रख लो, ताकि मेरे बेटे बेटियों का जीवन बर्बाद ना हो, वो फिर से उस महिमा की अवस्था को पाएं। आमीन। क्या है ये चीजें? हम अपनी आत्मिक दशा को खो देते हैं। अगर हम अलग हो गए तो हम अपनी आत्मिक दशा को अपनी मर्जी पर जीने का प्रयास करते हैं। एक बात याद रखें, अगर हम यीशु मसीह के साथ जी रहे हैं तो हमें रोज की रोटी चाहिए। रोज की रोटी हमें मिले। कहां लिखा है? मत्ती अध्याय 6 और उसके 9 से 13 आयत में प्रभु ने पत्रस को पूरे टीम को प्रार्थना करना सिखाया और कहा दिन भर की रोटी हमें दे, दिन भर की रोटी हमें दे। और आज अब जब आप आत्मिक दशा में जी रहे होते हैं तो एक बार चर्च आने के बाद सालों साल या 6 महीना या 1 महीना या 15-20 दिन के बाद आप आते हैं और प्रभु ने कहा दिन भर की रोटी हमें दे। ये रोटी क्या है? ये रोटी टूटी हुई दशम पड़ी हुई थी, लेकिन जब वो प्रभु के करीब आएगी तो उस महिमा में रोटी से जुड़ जाएगी और वो परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करेगी। हालेलुया। वो छुटकारे को प्राप्त करेगी। हालेलुया। आमीन के साथ। आज हम किस दशा में हैं? हमारी विश्वास की आत्मा कहां गई? हमारे अंदर पवित्र आत्मा का जो एक उपस्थिति है वो दिखाई नहीं देता है। अगर आज आप यहां बैठे हो, कितने लोग बैठे हो, हाथ को उठाओ, बताओ जरा, बैठे हो अगर आप यहां, तो आप एक आत्मिक दशा में रहने के लिए आप आए हो। किस दशा में? याद रखें, परमेश्वर का वचन न बल से न शक्ति से पर मेरे आत्मा के द्वारा होगा। आपका भरोसा, आपका विश्वास यदि उसके वचन पर है तो उसका वचन अपने आप को खरा साबित करेगा आपके लिए। अगर आप उसके नेचर में हैं, आप उसके स्वभाव में हैं, आप उसकी बातों में हैं, आप उसके स्वभाव में जी रहे हो तो आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे, आप उसके बल को देखोगे। हाथ उठा के कहो आमीन। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।